हट सुमित, हट हट जल्दी इधर, जल्दी हट इधर, और 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 हट और हट और हट। ओ भाई, तो हेलो हाय हाउ आर यू। और आज हम आ चुके हैं ये रासलीला वाले मंच पे, देख लो गाइस, यही वो रासलीला वाला मंच है। और आज अभी डेट हो रही है 9 नवंबर की, तो कल 8 नवंबर को आपने देखी थी ब्रज की रासलीला लाइव, और मैंने कुछ रील वगैरह भी डाली है, शॉर्ट वीडियो वो भी देखी होंगी। बाकी ये जो मंच है वो रात में ही इन्होंने उजाड़ डाला है यार, पूरी तरह से खाली खाली हो चुका है मंच। और जो ब्रजवासी थे वृंदावन वाले, जो हमारे दोस्त मित्र जिन्होंने यहाँ पर रासलीला का मंचन किया, वो भी जा चुके हैं, और ये पंडाल वगैरह उतर ही रहा है। बाकी आप इंजॉय करते रहिए, ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस रामलीला मेले की। और रामलीला मेला जो है वो 10 तारीख को मुझे उम्मीद है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरा समाप्ति की ओर नहीं है बल्कि समाप्त हो ही चुका है गाइस। बाकी हम चलते हैं मेले में, आज इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करते रहिए हमारी वीडियोज को और देखते रहिए प्रवीण एक्स ब्लॉग को। तो हम मिलते हैं आपको मेरे वाली दुकानों में। और इधर में हमारे मित्र लोग मिल चुके हैं गाइस, देख लो, ये हैं बितेंद्र भाई, उधर में योगी भाई, इधर में सुमित भाई। तो ये मित्र लोग भी चले रासलीला के गम में रो रहे हैं। और हमारे मित्र एक छोटू जो कि बहुत ही परम मित्र थे, शायद वो वीडियो देख रहे होंगे यार, कितना ये लोग भरत मिलाप कर रहे थे, रात को रोए थे यार ये लोग, क्या ही बताएं इनका। देख रहे भाई, इनकी आवाज सुनो सुमित भाई, इतना दुख गाइस, इतना दुख, कतई मतलब यार इनका छलक रहा है। रासलीला के श्री कृष्ण जी बनते थे, उनसे मेरा, मैं उनसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, और वो जाने का बहुत दुख मुझे हो रहा। हाँ गाइस, यार हमें भी बहुत मतलब बुरा लगा कल जब ये सब लोग मतलब सारे लोग गए थे, क्योंकि 10 दिन से हम लोग इसी मंच पे मजे कर रहे थे, उनसे दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी यार, मतलब कि कह नहीं सकते। बाकी बुरा तो लगा, कोई जाता है तो बिछड़ता है, फिलहाल इंजॉय करते हैं मेले में। बाकी आप भी इंजॉय करते रहिए, मिलेंगे फिलहाल हम लोग नेक्स्ट ईयर भी, अभी कोई नहीं। हाँ, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ, पूरा तंबू उजड़ गया, रासलीला चली गई। आए सुमित भाई, बताओ फिर क्या हाल चाल, आ जाओ फिर दुकान वाले एरिए में। सुमित भैया क्या खरीदवाओगे हमें आज? हम खरीदेंगे, घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में सूजन रहती है, हमारी प्रचार गाड़ी पर आइए, पुराने से पुराना दर्द मिटाएगी ये दवा, हमारी प्रचार गाड़ी पर आइए। देखिए इधर वाले भैया को दिखाइए, इधर वाले, इनके जोड़ों में सूजन रहती थी, हम स्वस्थ मिल गया है, हम स्वस्थ हैं, इन्होंने इस्तेमाल करा है इनकी दवाइयों का, हमारी दवाइयों को इनके, हमारी प्रचार गाड़ी पर आइए, हमारे यहाँ जोड़ों में दर्द हो रहा था, मैंने इस्तेमाल। तो मजे हो गए बहुत, बाकी मेला आपको दिखाते हैं। तो मेला जो है वो धीरे धीरे उजड़ चुका है, देखिए गाइस, जहाँ से रास्ता नहीं हुआ करता था वहाँ से भी रास्ता बन चुका है। और इधर में दुकानें हुआ करती थी बहुत ही खतरनाक वाली, यानी कि ढोल धमाके वाली, वो नहीं है, रही है। हमारा अगला ब्लॉग आपको दिखाएंगे कहाँ से, गंगा जी के मेला का, या गंगा जी के मेला का, वो तो काफी दूर है अभी, अभी नहीं आने वाला है सर। हाँ, बाकी क्या खरीदवाओगे यार तुम, तुम बता जल्दी जल्दी। हाँ, भैया की शादी तय होने वाली है, तो देखने वाले आने लगे हैं, तो उसके लिए कप की व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि चाय भी नए नए कपों में दी जाएगी, तभी नई नई लड़कियाँ इनको पसंद करेंगी। बात सही है, वितेंद्र भाई कप ले लो, बनवा के आया हूँ, देखो कोई मिल जाए तो देख। अरे मस्त लग रही है यार, बता देना गाइस कैसी लग रही है इनकी। बाकी इन्होंने 50-60 रुपया खत्म कर डाला है इतनी सी दाढ़ी बनवाने में, देख बस। और बाकी बताया कितनी बनवाई थी, क्योंकि देखने वाले आ रहे हैं। बाकी कब खरीद लो तुम, नहीं आएंगे तो हम लोग तो चाय पी लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो तुम भाई तो चाय पिलाते नहीं, कब होंगे तो पिला तब भी दोगे, जल्दी लो, नहीं लोगे? अरे ले रहे हैं भैया, तुम मत करा रहे हैं भैया, इनका लगता नहीं ले पाएंगे, चलो दूसरी जगह। वितेंद्र भैया कप आज लेके ही मानोगे? आज बिल्कुल लेके ही, तो खरीद लो फिर, कप बढ़िया लग रहे हैं यार, ये इनमें से निकाल लो हैप्पी बर्थडे वाला। कपों की आप डिजाइन दे सकते हैं, इसको मोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको फोड़ भी सकते हैं, लेकिन कप नहीं टूटेगा, आप चाहे भले टूट जाए, मेहमान उठ के चले जाए। बाकी ऊपर में आपको चारा मशीन भी देखने को मिल जाती है,
सॉरी गाइस, क्या बताया था इतने साग काटने वाली मशीन है, हम तो चारा मशीन समझ रहे थे यार। लोग हाँ लेंगे भैया, एक कप में तो एक ही पी पाएगी बस। भैया वो वाले कप रखे हैं ना, मम्मी ले गई थी। अच्छा अपने लिए स्पेशल बेदली ले जा रहे हैं ये भाई हमने कब दिया तो ले दिया। अरे चाय पिएगा? कितने का ले दिया? चाय मिलेगी बता, उठा ना हो। देख लो खाली कब लिया नहीं था भैया, कप के साथ चाय भी दे रहे हैं। भैया के देखने वाले आने लगे हैं तो इसके लिए वो कप की व्यवस्था कर रहे हैं, और मेहमान नए नए आ रहे हैं विस्तार लेके, तो भैया ने भी दाढ़ी उड़ी सेट करा ली है बिल्कुल। ये स्पेशल जो आएंगे उसके देखने वाले आ रहे हैं तो स्पेशल ही ले जाओ वाला। भैया जी हमारे ससुर जी के लिए बड़ा कप लेके जा रहे हैं क्योंकि वो ही इसमें गुल्लक में रोका रखे थे। बाकी आ जाओ यार, तुमने एक खरीद लिया इतना काफी है। कप लेने के बाद मुस्कान का ठिकाना नहीं, भितेंद्र भाई एकदम मुस्कुराते हुए। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कल शुक्रवार है, कल को मेरे घर में देखने के लिए आ रहे हैं मेरे लिए। कौन? सुंदर सी लड़की देखने के लिए जाऊंगा मैं कल मैं देखने के लिए जाऊंगा वहाँ। ये मैं कब लेके जाऊंगा, उसे गिफ्ट दूंगा, इसीलिए तो ले जा रहा हूँ ना। अच्छा तो हमारे शिवम भैया आ रहे हैं, कहाँ है? कहाँ नजर नहीं आया यार, शिवम भैया कहाँ है? अरे हमारे शिवम भैया आ चुके हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, आपका बेसब्री से इंतजार था। तो बहुत ही निराशा के साथ आते हुए, और चरण कहाँ है आपके? चरण कहाँ है प्रभु? चरण कहाँ है आपके? ये कप इन्होंने ले लिया है गाइस, देख लो ऊपर से। बाकी भैया ने तो कहा था कि चाय भी पिला दो, चाय भी दे देते हैं इसमें भर के। ये 50 रुपए का? अरे ये किसी को ना देंगे यार, इसमें पता ससुर जी को चाय पिलाई जाएगी, कल मेहमान आ रहे हैं ना इनके यहाँ देखने, तो ससुर जी को चाय पिलाएंगे ये। बाकी आ जाओ, हमारे लौंडे कहाँ चले गए? दो हमर बाड़े टम्पर चरतू धरा वेला थर सरदू धरा वेला थर सर। देखिए योगी जी, ये सुमित भाई मुझे चेक करना है कि ये फूटा हुआ था नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बात है। नहीं इसमें आपको चाय करवाते हैं, चलो उनसे 10 रुपए की चाय। एक काम करो पिता, क्या वो उधर चाय टी स्टॉल है? टी स्टॉल चाय डलवा लो। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे नाम बता दीजिए, बिल्कुल पूरा मेला मेरे को अभी भर लाइए। नहीं आप जाइए, वो बता देना मेरा क्या नोटिस करना था। भूपेंद्र भाई आप दाढ़ी मुझ बनवा चुके हैं। हाँ वो हमने पहले ही नोटिस कर रखा यार, 50-60 रुपए लगा दिए इनने दाढ़ी पे अपनी, पता क्यों? देखने वाले यार। हाँ टी स्टॉल इधर ही है, बाकी आप लोग चलते जा रहे हो। ये कप आप देख सकते हैं, कल की मिर्चें आज भी रखी हुई हैं। हाँ कल की मिर्चें, ब्रेड पकोड़ा ये कल के धरे हुए हैं, देख लो भाई वैसे ही। भितेंद्र भाई के लिए जूते दिखवाने आए हैं, देखते हैं भितेंद्र भाई कौन सा पसंद करते हैं। चलो आ जाओ, चलिए भितेंद्र भाई। भितेंद्र भैया चाह रहे हैं, भितेंद्र भैया मेले में अच्छा रहेगा मेला, वही कौन जूते कितने रखे हैं वो? मेले में तो जूते अच्छे निकल जाते हैं, मैंने मेला से 35 रुपए के 2 पजामा खरीदे थे, 3 साल हो गए आज भी पहन रहा हूँ, उनको फटे नहीं। इनके रिएक्शन देख रहे हो गाइस कैसे, मतलब मूड है नहीं तो मेले जूते पसंद नहीं है, मैं दुकान पे ही खरीदूंगा। चलो देखते ना, दिखा दें तुम्हें सस्ते पड़ जाएंगे बहुत। हाँ तो जाओ इसके पैसे काटो, और चेक करने में काय फट रही है। चलो फिर चलो आ जाओ तुम्हें चेक करवा दे रहे हैं। बाकी गाइस आप चेक करो, जूते एकदम नए हैं यार, चप्पल वो है ये वाली खरीद लो तुम्हारे लिए एकदम वो बिंदास है। तुम्हारे लिए मस्त रहेगी, फेसबुक लिखा है यार, फेसबुक यानी कि चप्पल जब फेस पर पड़ेगी तो दांत टूट जाएंगे। ओ भाई सही बोले एकदम, फेसबुक की चप्पल है क्या है? फेसबुक की चप्पल, फेसबुक। अब हम आपको बता सकते हैं कि जुकरबर्ग हैं, वो हमारे साथ से चप्पल भी बेचते हैं, उनका चप्पल का भी कारोबार का है, और उनका जो चप्पल है वो फेसबुक के नाम पे बिक रही है। हाँ आज और तुम्हें दिखाते हैं, आज और घुमाते हैं। बाकी आप चेक करिए, इधर में दुकानें जो लगा करती थी वो सारी उजड़ चुकी हैं, और ये बग्गी टांगा बग्गी जिसपे की सामान जो है जा रहा है दुकानों का, धीरे धीरे यहाँ से सारी दुकानें उजड़ ही रही हैं।
भाई हम आ चुके हैं बितेंद्र भैया की खास शॉप पे, जहाँ पर इनके वो क्या कहते हैं सिंगार, सिंगार का सामान मिलता है। बितेंद्र भैया आपका सिंगार क्या क्या है यहाँ पे देख लो? नहीं, हमारी बीवी का, बीवी का सिंगार। हाँ यार सॉरी गाइस मैं भूल रहा था, सिंदूर कौन लगा था भाई? भगवा कलर है वो, पीला किसने बता दिया? भगवा है, भगवा है। तो बताओ बितेंद्र कौन सा तुलवा दें तुम्हें? ये क्या सर, ये क्या सर्च कर रहा है? ये लगता नहीं है गाइस सही देगा ये, चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं, इसका ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि इनका तो मूड होता है पर खरीदना नहीं है कुछ भी। गाइस हम लोग आ चुके हैं धर्मू होटल वाली जगह पे, धर्मू होटल वाली। तो इसमें हम लोगों ने एंट्री वैसे तो करी नहीं थी कभी क्योंकि ना उतना हो पाया था और ना हम लोग यहाँ पे आ पाए थे। हंसी की बात नहीं है यार, सीरियस लेने की बात है यार, हंस रहे हैं फिलहाल क्योंकि यहाँ पे वो उतना हो ही नहीं पाया था जो हम एंट्री कर पाते यार, होटल वाली जगह है। हमारा बजट से बाहर का मामला था, सीरियस बात बताऊँ, टीम में जब 5 लोग आते हैं ना तो वो पता क्या कहते हैं, तू खर्च कर ले, तू खर्च कर ले, खर्च कर और तू खर्च कर, यानी कि मैं करूंगा नहीं गाइस। देखिए गाइस यहां से चलते थे वहां होटल तक, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, जिम नहीं कर पाते थे, बोलते थे ये खर्च करेगा, बोलते थे ये कर, मैं हूं बेरोजगार, घर पे पहुंच जाते थे मैं हूं बेरोजगार। और ये सॉफ्टी, तो आज तो सॉफ्टी खिलाओगे ना कोई? अरे सॉफ्टी तो जाने वाली भैया। हां तो खिला दो यार। अरे यार ये देखो खिलाना चाहता है, फूल खिलते हैं, देख रहे हो गाइस ऑन कैमरे पे भी। हाँ नहीं कर सकते ये बंदे ऐसे हैं हमारे साथ के, बाकी हम तो आपको बताइए नहीं खिलाएंगे, बजट होता ही जो हम इन्हें खिला पाए खुद ही नहीं खाते गाइस। देख लो अभी कमा नहीं पा रहे जिस तरह खा लेते हैं बस, ये और चलते हैं झूले की तरफ, झूले की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं झूले की तरफ। बाकी ऑन कैमरे पे तो हमने कभी ना कुछ खाया है ना खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं बस। दिल्ली का मेला लाइव लाइव, हाँ प्रवीण भैया हमारे दिल्ली पीछे में हमारे, ये देखो शुभम भाई मारू ब्लॉग पे पढ़ रहा हूं, ब्लॉग बन रहा है तो इनका भी नया चैनल खोल लिया हमें लगता, अपना भी इसलपुर नाम से सच्चाई दिखा रहे हैं। अच्छा पीछे की सच्चाई, अरे ये बिहाइंड द सीन ले रहे हैं गाइस हमारे ब्लॉग के, देख लो हम ब्लॉग में रियलिटी नहीं फेक बना रहे हैं ये। वो आपने देखा ना ये है वो, इधर देखिए, इधर देखिए गाइस, इधर देखिए, ये होता ना सीन का सांप, ये वो है, ये कोई कंटेंटेड वीडियो चल रही है जो बिहाइंड द सीन ले रहे हूं। इधर चेक करिए, ये है ग्राउंड और यहाँ पर ठेले, ठेले नहीं गाइस, टिक्की समोसे मिर्च और केले, जूम जूम नहीं हो पा रहा यार। इधर में गोलगप्पे देखने को मिल जाते हैं आपको, इधर में लंका जो कि धू धू करके जली थी, और यार इसका सोना कौन लूट ले गया अभी, सोना कहाँ गया? अरे वीरेंद्र जीना ढूंढ इसका, छत कहाँ है? ओए जीना ढूंढ इसका, सोना कहाँ है यार? हमने सोचा था सबसे बाद में सोना लूट के हम ही ले जाएंगे, बच ही जाएगा कुछ ना कुछ, और इधर कुछ बचा ही नहीं है यार। बाकी हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं अब, ये कौन सा एरिया है यार, ये कौन सा एरिया है? देखो जाना पहचाना, जाना पहचाना सा लगता है लेकिन, जाना पहचाना और पुराना, ये वो एरिया लग रहा है जहाँ पे झूले लगा करते थे और शायद झूले आधे अधूरे लगे भी हैं। ये वही दिन आ चुके हैं जो एक महीने पहले हुआ करते थे और मैं बताया करता था ये झूला लगेगा 10 दिन में, ये झूला लगेगा 1 दिन में, और गाइस अब हम बताते हैं तो ये झूले उखड़ेंगे 1 दिन के अंदर, बाकी मैं क्या ही बताऊँगा, ये झूले 1 दिन के अंदर उखड़ेंगे और ट्रॉली में नहीं बल्कि क्या कहते हैं ट्रक में लादे जाएंगे और अपने घर की तरफ रवाना, बाकी हम भी होते हैं रवाना। देखो इस तरह से, ये कौन सा झूला है भैया? मेरे को ब्रेक डांस लग रहा है, टोरा 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 है ये तो भैया, सुमित गोस्वामी का गाना लग रहा है टोरा। हाँ यार छोटा भाई है ब्रेक डांस, और ये वो बड़ी वाली नाव जिसपे बैठने के बाद अच्छे अच्छों की हेल्थी है, मैं फटने का नाम तो नहीं दूंगा लेकिन हिल तो जाती ही है, बाकी ये भी उखड़ ही रहा है। हाँ बताओ शिवम भाई, इसे चूतिया पा कहते हैं? तो मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं है? हाँ यार हमारी गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं है, तो तुम अभी कैमरा लेके कहाँ कहाँ शुरू हो जाते हो, तो वो बात करना चाहिए, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है, हमारे टाइम नहीं होता। तो इधर में हमें मिल चुके हैं हमारे जाने पहचाने झूले वाले भैया, सुमित भैया हमें भी झूला झुलाओ ना, माइक लगा, हमें भी झुलाओ ना झूला यार। अरे झूल लियो, कैसे चाचा बात कर रहे हो आप? माइक लगा, बिल्कुल फ्री झूला है, आओ बैठो, बिल्कुल फ्री झूला है,
झुलाओगे हमें? जितेंद्र भैया के देखने वाले आ रहे हैं, इसलिए पूरा झूला फ्री है। और इनकी ससुराल वालों एक दो तीन चार आदमी, चार आदमी है, झुलवा दो यार। आप बैठ सकते हैं, लेकिन झूला खोल रहा है यार, खोल रहे हैं भैया झूला, ये भी झूला खुल रहा है यार। तो खोलने का, लेकिन आपको पता नहीं है, ये जैसे ही बोल्ट खुलेंगे ना सब, ये घोड़े भाग जाएंगे यहाँ से, फिर अपने आप दौड़ने लगेंगे। जैसे हुए हैं इनकी पैर बांध दिए गए हैं, तो घोड़े उड़े नहीं रहे हैं। झूलों को दिखाइए ना, इधर इधर भैया देंगे, बच्चे कूद रहे हैं। अरे रहने दो, मैं प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं करता किसी की, बाकी जो झूल रहा है उन्हें झूलने दो, हम प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं करेंगे भैया। आइए चलते हैं, और एक झूला जो कि खाली झूल रहा है बस। ये बेचारा किस तरह से खुद में ही मतलब चले जा रहा, निराशा कितनी होती होगी ना। मैंने इसके खुजली है भाई झूले के, गर्मी हो रही ना इसको। अच्छा, तो बात ये है, बोला बैठो ना बैठो मेरे कद्दू से। तो बात ये है, मैं सोचा कि कितनी निराशा होती होगी इसे कि एक भी बंदा नहीं आता। एक समय वो था जब वैल्यू करोड़ों में हुआ करती थी, एक समय वो आ चुका है, आज की वैल्यू जीरो में आ चुकी है गाइस। हाँ शिवम भाई, ये देख लो एक, अरे मैं इधर आपको बता रहा था, तो इधर आप देखिए एकदम से, एक समय वो हुआ करता था जब वैल्यू होती थी करोड़ों में, और आज वो समय आ चुका है जब बड़ा हो रहा है। देखो धीरे धीरे बड़ा भी बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा। अरे मतलब बैलू अभी गिरी नहीं है यार, बैठ जाओ फिर हम भी देखते हैं इसे कैसे खड़ा होता है। जल्दी हट इधर, और हट हटना का भाई, चले पालकी में बैठोगे? हाँ आज फ्री से बाहर हमारे भैया है, बिल्कुल सेम जैसे उनकी बॉडी के वैसे ही नेकर पहने, तो मुझे लगा वो नेकर ही नहीं पहने। देखिए इनका नेकर दिखा दीजिए भैया, जा रहे हैं वो सेम बॉडी कलर का नेकर पहने। मैं चौंक गया, भैया ने नेकर नहीं पहना। यार मैं भी चौंक गया था, लेकिन दरअसल उन्हें लज्जा थी इसलिए उन्होंने नेकर पहन रखा है अपना। मैं तो यार घर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी फोन आया है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। जाओगे? हम खुद चल रहे हैं यार, बाकी सब लोग जा रहे हैं। आप जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, इतना मुझे लग नहीं रहा कि आपके घर वाले इतना चाहते हैं आपको। एकदम सही कहा, चाहते क्यों चाहने लगे? तुम दो दिन से इसलिए चाहने लगे, रिश्ता तय हो गया, उन्हें गड्डी मिलने वाली है, चक्कर में मुझे चाहने लगा। भी होता है तो ऐसा भी होता है गाइस, देख लो कितने मतलब वो स्वार्थी हैं लोग, घर वाले भी मतलब स्वार्थ पे ही टिके हैं अपने। मम्मी पापा को कभी नहीं सुधार सकते, मम्मी पापा शर्म करो, खुले में हगना बंद करो। हेलो, ये सब राज बात। हाँ बता दो भाई, तुम भी आज राज बता दो जल्दी, जल्दी लास्ट की है। बड़े वाले झूले, नाव वाले झूले हैं, ये तरफ रखे हैं, गड़े नहीं है, पता नहीं कब लौट जाए। देख के आओ यार, अरे आओ यार फिर लौट चलो, जल्दी देख के आए, आ जाओ आ जाओ। अरे यार सही बोल रहे थे, ये देखो गाइस ये खाली पटला पे रखा हुआ है झूला, और उधर में भी वो पटला पे ही रखे हैं। देखो इसमें ना नीचे कोई कील गड़ी है, ना कोई इंतजाम है, ना कोई वोल्ट है, बस पटलों पे रखे गए हैं। उधर में भी वो पटलों पे ही रखे गए हैं, आप देख लो जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये पटले ईंट पत्थर पे रखे गए हैं, और ये इतने विशाल का है झूले, इस तरह से रुके हैं मतलब भाई, इनमें तो पूरा मतलब जान मान धन हानि और सबका खतरा है, मतलब हम सब भी भूल रहे हैं यार, इतना खतरा है। सरकार की तरफ लाभ का खर्चा कोई नहीं होगा, और इसमें अगर, अरे यार हाँ एक बात बताओ, इसमें इंश्योरेंस का खर्चा मिलता है नहीं मिलता मरने के बाद? इंश्योरेंस होगा तभी तो मिलेगा, तुम्हारा होगा तभी मिलेगा, झूले का कोई नहीं है मतलब कि कोई मरा तो इतना देंगे? कोई नहीं। अरे मतलब पूरा खतरा है गाइस, जान का भी और धन का भी, 50 रुपया तो ये लेते ही है। जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी की। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम मेले वाले झूले की बात कर रहे हैं। तुम LIC का प्रमोशन करे तेरे वीडियो में हमारी, यार ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी गाइस, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी, और ना ही LIC को कोई सब्सक्राइब करना जाके, ना ही वो क्या कहते हैं पॉलिसी देना जाके यार। तब मैंने बोला था, अरे तुमने इंश्योरेंस ले रखा होगा, कंपनी चला रहे होगे, तो प्रमोशन करे तेरे अपना। बाकी गाइस अब लाल वाले आलू को दिखाते हैं आपको। हाँ यार लाल वाले आलू तो सुन के हमारे मुंह में भी पानी आ गया। खाते हैं सुमित भाई, खिलाते हैं हम लोग, खाते देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब यार हम उतनी देर से उनसे होटल पर आज तक नहीं पहुंच पाए, इतनी देर लोगों की वजह से। यहाँ बात एक बंदे ने बोल दिया कि चलो वहाँ तक चलते हैं, तो वो दूसरा बोलता है चलो ये तो खिलाएंगे पूरी, मतलब आगे आगे सोच रखते हैं। मेन चीज पता क्या है कि इन लोगों में बस
पहली बात तो कोई कहता ही नहीं है कि हम चलें चलें। एक बंदा कह भी दे तो वो क्या करते हैं कि आगे सोचने लगते हैं कि ये खाने वाले हैं। खर्चा कौन करेगा बताओ, मतलब आज के भी आलू जितेंद्र भाई का कॉल आ गया है क्योंकि खर्चा ना हो जाए। आगे आगे बढ़ते हैं, देख लो सबसे ज्यादा आलू यही खाते हैं योगी जी उधर, और इनकी कॉल भी आ चुकी है। बाकी ये योगी देख लो, योगी भी अपनी फिराक में है, कैसे यहाँ से छूटा जाए, आलू की प्लेट कैसे हाथ में आए और चट करें और साफ जाए। बाकी देखते हैं कौन आज खिलाने वाला है, आज तो हम खा के ही जाएंगे, बिना खाए तो जाना ही नहीं है आज। आज चाहे शिवम भाई खिलाए चाहे और कोई खिलाए, खर्चा हमारा तो होना ही नहीं है गाइस, इन लोगों के साथ में आते हैं तो। बाकी आप लोग तो मजे करते ही करते रहिए, आज हम देख आ चुके हैं आलू वाली दुकान पे भैया। हालांकि गाइस हम आ गए हैं आलू की दुकान पर, भैया हमारे हैं टिकरी के, टिकरी में जाके इनके खाइएगा, बता दे टिक्की चाट गोलगप्पे मैगजीन चल रही है, हथियार से खिलवाड़ ना करें, और वो भी उसका बैरल जो है वो ऊपर की ओर झुका है। भैया इन चार के ब्रेड में यदि मिर्ची डालना ये आपको याद करें सुबह, भैया क्या थे तुम शिवम भैया का, जब से ब्रेकअप हुआ है तब से मारे जा रहे हैं, किसी ना जो मिल रहा हाथ में उसको कूट दे रहे हैं भैया मिर्चा ना, और वो नागिन थी आंखों वाली, एक में बचा ना दूसरे के साथ भाग गई। ऐसा नहीं करते शिवम भाई, राह चलते ऐसा नहीं करते भैया, हमारे इतने बढ़िया आदमी थे उन्होंने धोखा दिया उनको, ये बहुत बड़ी गलत बात है उनके लिए, अगर वो देख रही होंगी तो उनसे यही बोलना चाहता हूँ, उनसे यही प्रार्थना है, प्रार्थना नहीं है, अगर आप प्यार करते हैं सच्चा तो वापस आइए, नहीं करते हैं तो मैंने शिवम भैया की लड़की बाढ़ में जाइए, मैं इनकी बात कराने वाला हूँ, मात्र दो दिन का टाइम है उनके पास, प्लेटें हमारी तैयार है, पांचों लग गई है, एक एक करके मिल रही है गाइस, पकड़ो पकड़ो यार, लो पकड़ते जाओ। तो ये भैया हमारे वो स्पेशल पर्सन है जिनके लिए स्पेशल प्लेट लगाई गई है, जिसमें मेरे छाई नहीं है गाइस, सबसे ज्यादा है हाँ। तो ये उससे भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इनके में सबसे ज्यादा मिर्च लगाई गई है, बाकी सुबह में इनका रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है, वीडियो भेज देना बना के जी हमारे साथ जाएंगे रिएक्शन लेने, रिएक्शन लेने हम नहीं जाएंगे, अपनी वीडियो खुद ही बना ले रहे हैं, तो ब्लॉग मिलेगा आपको अलग से डालेंगे प्रॉपर ब्लॉग, अलग सुबह उठते ही हम ब्लॉग बनाने पहुँचेंगे, लेकिन वो प्रॉपर ब्लॉग आएगा, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो भी सकता है लेकिन उसमें प्रॉपर ब्लॉग आएगा एकदम। तरह से डटे हैं हमारे भाई लोग, जैसे क्या कहते हैं वो शब्द ज्यादा हो जाएंगे भाई, कटोरियां खाली हो रही हैं, कटोरियां खाली हो रही हैं और धीरे धीरे ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से, रुपए के देखते हैं रुपए के नाम पे कौन पेमेंट करता है आज, देख लो गाइस दो बंदे भाग चुके हैं, दो ये बैठे हैं, सबसे बाद में हमारी ही खाली होगी, तो पेमेंट हमें लगता है मेरे को ही करना होगा आज। तो गाइस आपको बता दें ये है लास्ट प्लेट इस बार हमारे बितेंद्र भाई का, ये बहुत बुरा हुआ, अपराध हो गया है शिवम भाई, ये शत्रु जी का कब फूट गया है क्योंकि इन्होंने बोला था कि इसमें पैसे लेंगे, आपको ऐसा नहीं बोला कैमरामैन जल्दी फोकस करो कब टूट गया बितेंद्र भैया उदास होते हुए, फिर इन भैया टेंशन में कुछ बोल नहीं पा रहा है, आलू उसके अटक चुके हैं। तो हमारे सबसे दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति जो कि सुमित भैया हैं, वो पधार चुके हैं, देखते हैं कितना पेमेंट होने वाला है, बाकी पांच प्लेटें बनी थी गाइस, एक दो तीन चार पाँच, उन्होंने पूरा पेमेंट करने की ठान ली है और रुपए जो है वो जेब से निकाल लिए हैं और 10 रुपए की कमी हो रही है यार, 10 रुपए की मांग होते हुए लाओ हम देते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया का जो हमारी लाज लज्जा बचा कर रखी, नहीं शिवम भैया ने लाज लज्जा बचाई है, भैया हमने पेमेंट अपना अपने आप किया है, बोल ही नहीं सकते कि आपने पेमेंट नहीं किया, हम बोल ही नहीं सकते यार, जल्दी अब जल्दी चलो यार, अब लेने जा रहा हूँ दूसरा। बितेंद्र भैया हमारे श्रृंगार रस से वीर रस में पहुंच चुके हैं और बहुत ही स्पीड के साथ कप लेने की तरफ दौड़ते हुए, बाकी इनका कप तो टूट ही चुका है, क्या सर जी को चाय पिलानी है तो यार लेना पड़ेगा यार, एक नहीं दो दो, हाँ तो ले लो फिलहाल, बाकी इन्होंने जो थैरी जिसमें कप रखा था वो याद के तौर पे हाथ में ही पकड़ी हुई है, बिल्कुल जकड़ी हुई है कि छूटने ना पाए ना ही टूटने पाए, टूट गया यार इनका, ये खाने के चक्कर में ने तोड़ा भैया, वीडियो के चक्कर में कुछ नहीं तोड़ेंगे ये चंद्र भैया, कपड़ा जाके वो अंकल थे ना उन्होंने एक बार भी नहीं कहा भाई चलो ले लो दिखा दे, पाप की उम्र के आपकी बहुत गंदी हो रही है, पापा के ससुर की उम्र के थे कुछ नहीं कह पाए बेचारे बितेंद्र भैया।
किया और किस तरह से अपना कप लेकर और इस तरह से अपना कप लेकर घर की ओर जा चुके हैं जितेंद्र भैया। बताओ बताओ किसी किसी लंगूर को कितना अंगूर मिलता है यार। किसी किसी लंगूर को कितना अंगूर मिलता है समझ में नहीं आ रहा। भगवान तेरी क्या लीला, भगवान की लीला अपरंपार है। तो हमारे सुमित भैया बहुत ही निराशा के साथ बोलते हुए हैं, बहुत ही निराश हो गए हैं यार ये। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड। बाकी दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से जा चुकी हैं और जो बाकी बची हुई हैं वो भी धीरे धीरे जा रही हैं। भाई यहाँ मेला मेला जब चला जाता तो रायता कहाँ पे है? ये क्या था? रहता है मेला। अबे अगली बार कहाँ आएगा? अगली बार मेरे ब्लॉग्स के ही आधार पे आ जाएगा, मतलब ब्लॉग्स में ही आएगा। देखते हैं कब आएगा। वो गंगा जी का मेला और गंगा जी के मेला पर मिलते हैं लगभग लगभग 3 दिन के लिए। गंगा जी का मेला आपको लाइव दिखाएंगे। लाइव दिखाएंगे बिल्कुल। बाकी ब्लॉग्स तो डेली ही आएंगे। गंगा स्नान विद ड्रोन विद ड्रोन शॉट। भाई क्या ही मजा आएगा गाइस, उसे भी एंजॉय करना। बाकी आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। और मेरा पूरी तरह से समाप्त हो ही चुका है तो मेले में ना ही आइए। अब कुछ लेना है तो अपनी बाजार से खरीदिएगा। बाकी 10 या 11 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।